पे कैंप फायर कर सकते हो ऑन रिक्वेस्ट। एंड चलो मैं आपको टेंट्स बताती हूँ। बेसिकली यहाँ पे स्विस लग्जरी टेंट्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो पहले मैं आपको वो बताती हूँ। और फिर यहाँ पे कॉटेजेस भी है जो कि और भी ज़्यादा अच्छे है, विद अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू, स्विमिंग पूल व्यू, एंड स्विमिंग पूल भी इन्फिनिटी पूल है गाइस। सो इट इज़ अमेजिंग। ये है वो 5 ब्यूटीफुल टेंट्स। ये थोड़े से अच्छे वाले टेंट बोल सकते हो बिकॉज दोज आर एग्जॉटिक स्विस टेंट। सो अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी जो कि एक नॉर्मल कैंपिंग में आप जाते हो नॉर्मल टेंट में नहीं मिलता, बट बिकॉज दिस इज एग्जॉटिक टेंट सो यहाँ पे बहुत कुछ है। अंदर जाके बता दूँ क्या क्या है। पहले तो भाई साहब व्यू देखो, ये देखो, इसको देखो। Hi guys, chilling vibe. Chilling vibes. Because it's a very beautiful property and a very beautiful location. So guys, ये है वो Swiss tent. चलो अंदर जाके देखते हैं कैसा है। वैसे मैंने तो देख लिया है, फिर भी मैं आप लोग के लिए ये सब करती हूँ। So guys, ये एक बहुत ही beautiful tent है। Vibes इतनी chill है, काफ़ी cozy भी है। सो बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। टीवी है, टेलीविज़न, क्वीन साइज बेड है, एक टेलीफोन भी है। आपको सर्विस के लिए कुछ भी ऑर्डर करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली। एसी, काफ़ी कम टेंट में एसी होता है बट यहाँ पे एसी भी है। और वार्डरोब भी है जो कि टेंट्स में बिल्कुल नहीं होते। एंड एक टॉयलेट भी है और टॉयलेटरी आइटम्स भी है। सो आपको कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक सोप, शैम्पू, टॉवल्स एंड ऑल दैट, ये सब यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। सो गाइस, कैसा लगा ये ब्यूटीफुल टेंट? सही है ना, मस्त है ना, सेट है ना, सेट है ना। आगे से पीछे से बोल रहे हैं सेट है ना। सो या, और अगेन दिस थिंग, यू नो व्हाट इज दिस। चलो वार्डरोब भी दिखाई देती हूँ कैसा है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, नॉर्मल रूम में भी नहीं मिलता जो आपको ये स्विस टेंट में मिल रहा है। एक एक्स्ट्रा कुशन भी है। आई डोंट थिंक सो गाइस, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैट्रेसेस लग सकती है या एक्स्ट्रा अकोमोडेशन हो सकता है, बट स्टिल मैं एक बार चेक करके बताती हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर। बिकॉज है तो ये काफ़ी बड़ा बट ये मुझे थोड़ा सा कपल वाइब्स दे रहा है, कोजीनेस एंड ऑल दैट। या सो गाइस, दिस इज़ द ब्यूटिफुल स्विस टेंट। सो चलो मैं आपको कॉटेजेस बताती हूँ। कॉटेजेस भी बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली व्यू बहुत अच्छा है और अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी दी है। ऐसा मन कर रहा है मस्त गर्मा गर्म चाय पीते हैं ना, क्या बोलते हैं? धूप है बट कहाँ है रे धूप? धूप लाइक एक्चुअली मतलब धूप, सनी डे ही था पर क्लाइमेट ठंडा है, हवा काफ़ी ठंडी चल रही है। और गाइस सी द प्राइवेट, नॉट प्राइवेट, इट्स अ कॉमन लॉन एरिया, छोटा सा लॉन एरिया है जहाँ पर आप अपना बारबेक्यू कैंप फायर लगा सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ चिल कर सकते हैं। ये पार्टी टाइम। सो द एंड द प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, मतलब किधर भी ऐसा गार्बेज एंड ऑल कुछ भी थ्रो नहीं किया, एकदम क्लीन है, अच्छे से मेंटेन, वेल मेंटेन प्रॉपर्टी है। और हर जगह आपको डस्टबिन दिखेंगे। हाँ, हर जगह आपको डस्टबिन दिखेगी। ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था। हाँ, सो डोंट लिटर। या एंड इनके पास ऐसे 5 टेंट्स है, 5 स्विस टेंट्स है इनके पास। सो ये मेरे को लगता है कपल के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। 3 लोग है तो भी एडजस्टेबल है, इट्स अ कपल फ्रेंडली टेंट्स। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, टेंट के बाहर है ये सिटिंग एरिया, कॉर्नर टेबल विथ 2 चेयर्स। तो जैसे ही आप टेंट के बाहर निकलोगे पहले तो आपको ये सुंदर सा व्यू मिलेगा, सब यहाँ पे बैठ के चिल मार सकते हो। और गाइज यहाँ पे आपको लंच डिनर जो भी करना है आपको यहाँ पे अंदर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको डाइनिंग एरिया है वहीं पे जाना है। और स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इनसाइड द टेंट्स बिकॉज टेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। इफ यू वांट टू स्मोक कम आउटसाइड एंड स्मोक। सो ये जो स्पेस है वहाँ पे आप बैठ के स्मोक कर सकते हो और एनीथिंग एल्स, बट अंदर तो नहीं कर सकते हो। एंड गाइज सामने का व्यू देखो। ओह वाओ, यहाँ पे तो नदी भी दिख रही है। या दैट्स दैट धोम डैम आई थिंक सो।
सो गाइस सामने का व्यू देखो, अभी फिलहाल सनसेट हो रहा है, तो सनसेट बैक साइड में हो रहा है, और जब सनराइज होगा ना द व्यू वुड बी रियली अमेजिंग। आप अपने टेंट के आउटर पार्ट में बैठ के आराम से आप सनराइज को एंजॉय कर सकते हो विद अ कॉफी एंड ऑल। ऑलरेडी पंचगनी एक हिल स्टेशन है, उसमें भी ये और ऊपर है थोड़ा, इट्स कॉल्ड पंगारी विलेज। सो यहाँ से आपको होल पंचगनी दिख जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। मजा आ गया। ब्यूटिफुल कॉटेजेस। सो बेसिकली आप अगर इसको कॉटेज नहीं कहना चाहते, आप एक विला भी बोल सकते हो, बिकॉज इट इज़ समवेयर कम्बाइंड बट इट इज़ नॉट कम्बाइंड। ओके, सो ये मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। बिकॉज ये आपका जो नीचे का दिख रहा है दैट इज़ अ डिफरेंट रूम एंड ऊपर का इज़ अ डिफरेंट रूम। सो बट अगर आप बड़ा ग्रुप हो, आपको ये पूरा पूरा कॉटेज बुक करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। एक सिंगल कॉटेज में आपको 3 रूम्स मिल जाएगा। लाइक ऊपर वाला रूम को बाथटब रूम बोलते हैं, एंड नीचे वाला रूम को माउंटेन व्यू रूम बोलते हैं। एंड नीचे आपको 2 डोर दिखता रहेगा, वो 2 डोर के बीच में से इंटरकनेक्टेड है वो रूम्स। अच्छा, यहाँ पे कैंप फायर होते गाइस, सॉरी वहाँ पे कैंप फायर नहीं होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे बारबेक्यू होगा। आर बैड। और यहाँ पे एक ब्यूटिफुल गजीबो भी है। सो यहाँ पे आप वापस वही डाइनिंग एरिया बोल सकते हो, यहाँ पे आप चिल मार सकते हो, खा पी सकते हो, और यहाँ पे एक इन्फिनिटी पूल भी है। वाव, ये चलो पानी में कूदो। हाँ, वो रहा मनी, वो रहा, वो उधर किधर है आपको नहीं दिखेगा। इधर खड़े रहे, देख मैं तेरे पीछे से वीडियो निकालती हूँ। एक लात मारू के इसको सीधा पानी में। पूल कितना नीट एंड क्लीन है। अच्छा है यार, ये लोग मेंटेन करके रख रहे हैं, बिकॉज ना काफ़ी मैंने रिसॉर्ट्स देखे, कोई नहीं रहता ना तो ये लोग कुछ भी साफ वाफ नहीं करते, बस बकवासा रखते हैं। बट नहीं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्लीन एंड नीट है। सो अगर आप एक चीज़ हमने भी नोट किया है, जितने भी हमने 29 बंगलोज के प्रॉपर्टी शूट किए, उनके प्रॉपर्टीज रियली बहुत वेल मेंटेन्ड होता है, क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखा जाता है और हाइजीन भी है। और जैसे कि आप पूल देख के आप बता सकते हैं कि एक किधर का एक पत्ता भी नहीं दिख रहा है पूल में, कोई नॉट इन अ सिंगल लीव्स। सो 29 बंगलोस, हैट्स ऑफ टू यू गाइस फॉर दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। या ये देखो, ये है ना पार्किंग एरिया यहाँ का। सो बेसिकली आप वहाँ से एंटर कर सकते हो, और जो मैंने आगे स्विस स्टैंड के पास बताया वो 2 एंट्रेंस है, बट दिस इज द मेन एंट्रेंस। ओके, सो दिस इज द मेन एंट्रेंस, दिस इज द पार्किंग एरिया वेर यू कैन पार्क योर व्हीकल्स। और मेरी गाड़ी भी खड़ी है इधर, हमारी गाड़ी, गाड़ी जो आजकल खराब हो रही है, इसको रिपेयर भी करना है। यस गाइस, रात को बहुत गर्म हो चुकी थी, पता है ना मैं कितना हॉट हूँ, मेरी गाड़ी भी वैसे ही उतनी हॉट है, बार बार गर्म हो जाती है, पानी पिलाते रहना पड़ता है उसको। इधर पूल में डालते तेरी गाड़ी को। ओ, सो फॉलो मी गाइस। पहले तो ये बाहर का एरिया है, सो ये आपको हर जगह मिलेगा सिटिंग एरिया, स्विस टेंट में और कॉटेजेस में भी। काफ़ी अच्छा एरिया है यहाँ पे, मेरे को लगता है 10-10 लोग तो आराम से बैठ के चिल मार सकते हैं। सो एक्स्ट्रा चेयर्स एंड वो सब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो भाग्यश्री, ये रूम का नाम क्या है? कोई नहीं है, मैं ही बजा रही हूँ। ये रूम का नाम है माउंटेन व्यू रूम। यस एग्जैक्टली, देखो तो यहाँ से व्यू देखो गाइस। हाँ, चलो गाइस पहले तो मैं आपको पूरा प्रॉपर्टी बता रही हूँ, तो फटाफट लाइट्स ऑन करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे सब कुछ। ओह वाओ, यहाँ पे डिस्को लाइट्स भी है, एलईडी लाइट्स। इट्स द टाइम टू डिस्को। तो रात को पार्टी करनी है और लाइट की कमी महसूस कर रहे हो, तो कमी महसूस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज़ लाइट ये लोग ने ऑलरेडी दी है। या यू कैन जस्ट रेव। ओह माय गुडनेस,
क्योंकि मैं भी आज पार्टी करूँगी और मुझे लाइट की कमी हमेशा महसूस होती है. काश ये लोग एक और स्पीकर भी दे देते ताकि हमारी पूरी कमियाँ पूरी हो जाए. कहाँ पता नहीं. सो गाइस अगेन, टेलीविजन, क्वीन साइज बेड, फैन भी है, एसी भी है, बाथरूम भी है, सब कुछ है, टॉयलेटरी आइटम्स भी है, सारी अम्यूनिटीज का पूरा ध्यान रखा गया है और काफ़ी क्लीन है, अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे. आई मीन अच्छी चीज़ें मतलब है, बस समझ जाओ. ठीक है, वार्डरोब है. हर बार मैं आपको क्या खोल खोल के दिखा, वार्डरोब में तो सेम ही होता है सब, चादर है, एक्स्ट्रा कुशन है. अच्छा गाइस, यहाँ पे ये एक है कि आपको ये वाला ड्रॉअर दिया है विद कीज. सो आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स रखने हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है आपको सेफ रखना है, यू कैन यूज दिस. और ये है बाथरूम. ठीक है, अच्छा है, छोटू सा है, नीट है. चलो अच्छा, ये लोग ने ना 29 बंगलोज का ये एक स्पेशलिटी है कि एक तो वो लोग टॉयलेटरी आइटम्स देते हैं एंड बाथरूम में हर जगह टिश्यू रोल्स रहते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर गर्ल्स. चूँकि होता है, गर्ल्स लोग समझ जाएंगे. सो एग्जैक्ट इसका रेप्लिका है उस तरफ. सो ये इंटरकनेक्टेड रूम्स है. अगर आप लोग बड़ा ग्रुप है तो आपको सेपरेट सेपरेट प्राइवेसी वाला रूम चाहिए तो आप यहाँ पर लाइक इन्होंने एक बीच में एक डोर दिया है सो वो एक अलग रूम जैसा फील कर सकते हो. और अगर आप फिर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है तो फिर आपको ये डोर का जरूरत नहीं, आप ओपन करके बस ये कनेक्ट हो जाएगा ये रूम. और एसी प्रॉपर्टी है, एयर कंडीशन प्रॉपर्टी है और बेड भी अच्छा है. आई थिंक इट्स मेमोरी फोम. यस, सो काफ़ी कंफर्टेबल है और नीट एंड क्लीन है प्रॉपर्टी. आपको एक छोटा सा साइड टेबल है, इंटरकॉम है, आपको कुछ भी ऑर्डर वगैरह करना है तो आपको मिल जाएगा. और एक क्लोजेट है और यहाँ पे मेनू भी है. यस, सो इफ यू वांट टू, ए दिस इज नॉट मेनू, दिस इज स्पा एंड सर्विसेज. यहाँ पे स्पा भी है, ये तो मेरे को पता ही नहीं. तो हर्बल ऑयल मसाज, फुट रिलैक्सोलॉजी, सैंडलवुड क्रीम मसाज, ओ माय गॉड. और ये है मेनू. सो गाइस, ये स्टेयर्स है जहाँ से आपको ऊपर जाना है, ऊपर वाले कॉटेज के लिए, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉटेज है. अगेन वहाँ पे आपको माउंटेन व्यू मिलेगा, बट कॉटेज के अंदर और भी ऐसी चीज़ है जो आपको एक्साइट कर सकती है यही कॉटेज बुक करने के लिए, ऊपर वाला. हाँ, वापस बोलो. इट्स अ सूट रूम. ओके, नीचे से देखिए आप, उससे थोड़ा बड़ा रूम है ये. यो, Got a movie, got a movie, got a movie about it tonight. सब ऑन कर दो, चकाचक रोशनी होनी चाहिए. अरे ये डीजे लाइट्स आर हियर ऑल्सो, एलईडी लाइट्स. हमारे रूम में ना दो कलर की लाइट है, ब्लू और ग्रीन. यहाँ पे एक ही दिख रही है, ग्रीन एंड येलो. गाइस सांस फूल गए, रुक जाओ. Hold on. यार ये ऐसे सब ठंडे ठंडे एरिया में आके मेरी सांसें फूल रही है, मुझे लग रहा है मुझे योगा करने की ज़रूरत है. सो ये है वो बड़ा सा सूट रूम जहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है देन अ नॉर्मल कॉटेज. सो अगेन अच्छा, पहले तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ मैं आपको, विच इज़ द बाथटब. ये पीछे से ये डालना. गाइस एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, कर्टन्स तो है ही बट ये वाला जो कर्टन है ना, ये है असली मज़ा. बाथटब विद माउंटेन व्यू. यस, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द बाथटब रूम. सो आपको ये वाले रूम से गजीबो और थोड़ा सा पूल व्यू है और थोड़ा सा माउंटेन व्यू है, बाकी बहुत है. ठीक है, बहुत है. आपको ऐसा लग रहा है आपको यहाँ से बाहर का दिख रहा है सब, इसका मतलब ये रहेगा कि बाहर वाले को अंदर का दिखेगा? नो, नॉट एट ऑल. इन्होंने ये चीज़ का ध्यान रख के ही ये कॉन्सेप्ट बनाया है. अगेन टॉयलेटरी लाइक सोप, शैम्पू, हैंड वॉश,
टिश्यू पेपर, एग्जॉस्ट फैन, एवरीथिंग इज देयर. अ क्लोजेट, अ क्लोजेट, साइड टेबल एंड अ स्टडी टेबल. हाँ, स्टडी टेबल में छोटा सा लैंप भी दिया है. इधर आके कौन स्टडी करने वाला है? या सम पीपल डू एंड सम पीपल डू देयर वर्क आल्सो लाइक मी. दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं गाइस. मैंने किया है. और ये भी एक साइड टेबल है, टी टेबल काइंड ऑफ विद साइड चेयर्स, या डाइनिंग एरिया काइंड ऑफ. सर जो भी है. एंड ये छोटा सा सोफा, या छोटा सा कॉम्फी सोफा. सो चलो गाइस दिखा दे अभी और एक चीज. ये वाले झूमर बहुत सही है ना, वो वाले झूमर से सेम. इट्स नॉट सेम, अपने रूम से नहीं है, दैट द ग्राउंड फ्लोर रूम. या टीवी विथ ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल, क्वीन साइज बेड एंड टॉवल्स ऑल्सो अवेलेबल. गाइज 29 बंगलोज का और एक अच्छी चीज़ है कि वो लोग ना हर बेड मेमोरी फॉर्म वाला देते हैं. सो इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल, वेरी सॉफ्ट, आपको पेन नहीं होगा, बैक पेन एंड ऑल दैट बिल्कुल नहीं होगा. और ये बार का व्यू है द बालकनी. गाइज दिस इज़ माई फेवरेट थिंग एवरी वेयर आई गो बिकॉज आई लव दिस थिंग. सो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे है वो रूम जो आपको अभी दिख रहा है, क्योंकि मैंने इतना ये किया है. सो यहाँ ये बेड है और ये है बाथटब वाला साइड. मैं आपको दिख रही हूँ यहाँ से, मनी आपको दिख रहा है, बट अंदर नहीं दिख रहा है बिकॉज इसको क्या बोलते हैं, ये रिफ्लेक्ट वन साइडेड विंडो. पता नहीं एग्जैक्टली, आइडिया नहीं है क्या बोलते हैं इस ग्लास को, बट दिस इज अ वन वे विंड, वन वे ग्लास. आप अंदर से बाहर का देख सकते हो, बाहर का अंदर से नहीं देख सकते. तो मैं आपको जूम करके बताती हूँ. जूम, ये जूम करके दिखाओगी तो आपको दिखेगा ये बाथटब एंड टॉयलेट सीट एंड ऑल. और यहाँ पे अगेन दिस टेबल एंड चेयर है, सो यू कैन चिल आउट. नीचे का व्यू भी अच्छा है, ऊपर का व्यू भी अच्छा है, स्विमिंग पूल व्यू भी है, स्विमिंग पूल विद एन इंफिनिटी व्यू. यहाँ से आपको ये स्विस स्टैंड भी दिखेगी, दिस आर दो स्विस स्टैंड जो मैंने आपको पहले बताया. या सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉपर्टी, एग्जॉटिका द स्विस बाय 29 बंगलोस. और गाइस बताओ मैं कैसे लग रही हूँ. दिस इज माई न्यू वन पीस फ्रॉम फ्लिपकार्ट. दिस इज वेरी सस्ता ऑल्सो. एक बार ये सिर्फ ये LEDs ऑन रख के देखते हैं ना, बाकी सब बंद करेंगे तो रात को और भी मस्त लगेगा, थोड़ा और डार्कनेस आ जाएगी, फिर और अच्छा लगेगा ये LED लाइट्स. गाइस अगर आपको यहाँ पे आके एकदम से ठंडी लग रही है और आपको गर्मी में नहीं बैठना है बिकॉज वो पूरा ओपन है और वहाँ पे हवा चलते रहेगी, तो आप ये वाले डाइनिंग एरिया में आ सकते हो. ये पूरा पैक है और यहाँ पे कैरम बोर्ड भी है. और ये पूरा ग्लास ऐसा लाइक कवर नहीं है, पूरा ग्लास से इन्होंने कवर किया है ताकि आप पूरा वैली का व्यू एंजॉय कर सकते हो. और मैं बहुत सारे फोटोज और वीडियोस निकालने वाली हूँ, फोटो स्पेशली बिकॉज सब कुछ वेरी फोटोजेनिक है. तो मेरे को ना ऐसा अभी हर जगह जा जाके मनी को परेशान करके थोड़ी फोटोज निकालने पड़ेंगे. कूल, गर्मा गर्म भजिया आ चुके हैं और मेरे को बहुत फट्टे भूख लगी है, तो मैं सीधा अटैक करने वाली हूँ. या मैं चाय का वेट करूँ? नहीं, मैं तो अटैक कर रहा हूँ. क्या सूप? क्रिस्पी, एकदम फ्रेश है, क्रिस्पी भी है और अच्छे भी है. सारी चीज़ें खाने के लिए और हमने काफ़ी अच्छा मील ऑर्डर किया है. हमारे पास आज है तंदूरी रोटी, बटर पनीर एंड चिकन मसाला. इट इज़ लुकिंग अमेजिंग, वेरी टेस्टी. सो लेट्स हॉग इट.
हाँ, मस्त लग रहा है, इतना अच्छा, बढ़िया व्यू, बढ़िया क्लाइमेट और बढ़िया खाना, और बढ़िया ऑल सी इन भूख वन। भी है। और भूख भी बहुत लग गई, हमने कल से इतना कुछ खाया नहीं, आज हम प्रॉपर मील कर रहे हैं। कल हमने ना लंच किया था ना डिनर किया था, वी वेर ओनली ऑन स्नैक्स।